शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रिंस, तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम किसे चाहते हो, मुझे या उस राज गोयल की फैमिली को। What is this, Kamya? ये कैसा बिहेवियर है? मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा? मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि फिलहाल मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए ताकि मैं उस परिवार के लिए कुछ कर सकूं। और कुछ नहीं तो इंसानियत के नाते ही सही। प्रिंस, इंसानियत के नाते जो कुछ भी तुम करना चाहते हो करो, लेकिन प्लीज प्लीज देवता बनने की कोशिश मत करो। तुम उन्हें पैसा देना चाहते हो, दे दो। तुम उनसे जाके मिलो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। काम्या, मेरी वजह से जो उनकी जिंदगी में कमी आई है वो दौलत पूरा नहीं कर सकती। ठीक है, तो क्या करना चाहते हो तुम? What do you want? तुम चाहते हो कि तुम उस राज की फैमिली की सेवा करते रहो और मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करते रहूं? काम्या प्लीज, समझने की कोशिश करो। आज तक मैं तुमसे शादी के लिए कहता रहा और तुम मुझे टालती रही, वक्त मांगती रही। अब बस मैं तुमसे थोड़ा और वक्त मांग रहा हूँ। To be very honest with you, अब मुझे डर लगने लगा है प्लीज कि कहीं तुम्हारा इंतजार करते करते मैं कोई गलती तो नहीं कर रही। प्रिंस, रिश्ते ऐसे नहीं बनते। तुम सही कह रही हो, रिश्ते ऐसे नहीं बनते। प्रिंस, प्लीज अंडरस्टैंड, तुम्हारी अपनी एक जिंदगी है और सबसे बड़ी बात तुम प्रिंस हो, राज नहीं। मैं ये जानता हूँ काम्या, और ये तुम भी जानती हो, लेकिन वो बेचारे बूढ़े माँ बाप तो नहीं जानते। और रानी ना, आई एम फेड अप प्रिंस। रानी, हजारों बार उसका नाम तो मेरे सामने ले चुकी हो, इतनी बार तो तुमने कभी मेरा नाम भी नहीं लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है प्रिंस कि राज की एक्टिंग करते करते उसकी बीवी को भी अपनी बीवी समझने लगे हो तुम? सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से उड़ी आकाशों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाले महलों की। कहीं तुम उसकी बीवी को अपनी बीवी तो नहीं समझने लगे हो? रिलैक्स काम्या, अब तुम हद से आगे बढ़ रही हो। मैं चुप हूं इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती रहो। मैं उस परिवार के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। I know, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स को समझना चाहिए, लेकिन मेरी भी कोई फीलिंग्स है। लेकिन जब से यहाँ आई एक अजीब सी इनसिक्योरिटी घेरे हुए है, एक अजीब सा डर लगा हुआ रहता है मुझे कि कहीं मेरे सपने बिखर न जाए। Prince, I don't want to lose you. I don't want to lose you.
वैसे बता रहे माँ, अब मुझे अकल आ गई है। देखा नहीं, आजकल घर में कितना कम काम करने लगी हूँ। तुम्हारी सारी बातें घोट घोट कर पी रही हूँ मैं। हाँ वैसे जो छूटी है रामबाण छूटी है कसम से। अब देखते जाना क्या चक्कर चलाया मैंने। अब इस घर में होगी बचत और खर्चा करेंगे तेरे देवर और देवरानी। थोड़े दिनों के बाद माता पीट के क्या हुआ, हंसी की अटक गई गले में? बड़ी हंसी आ रही है, दूसरों की आंखों में आंसू भरकर ज्यादा दिन तक खुश नहीं रह पाएंगे आप दोनों। वैसे बता रहे हैं आरती, तेरी ननद को बड़े लोगों से बात करने की तमीज नहीं है। बड़े जब छोटी बात करे ना तो वो बड़े नहीं कहलाते। हम माँ और पापा का सामान लेने आए। मधु दीदी, आरती भाभी से कहो कि वो हमारे साथ अंदर कमरे में आए और देख ले कि हम लोग क्या सामान ले रहे हैं। नहीं तो हो सकता है जैसे इन्होंने रानी भाभी पर चोरी का इल्जाम लगाया था वैसे ही ये हम पर भी इल्जाम लगा दे और फिर मनोज भैया को 100 बातें बनाकर सुनाएंगी, है ना भाभी? हाँ सलोनी, वैसे भी मनोज भैया के कानों में ऐसी बातें बड़ी जल्दी उतरती। वैसे बता रहे हैं, मैंने कब कहा था मम्मी जी को और पापा जी को घर से जाने के लिए और तुम दोनों मुझसे यहाँ लड़ने आए हो? भाभी, बड़े सिर्फ इज्जत के भूखे होते हैं, जहाँ उन्हें इज्जत ही नहीं मिलेगी वहाँ वो कैसे रह सकते हैं? चलो दीदी। वैसे बता रहे हैं बड़ी तीखी है तेरी नंदे। अरे बड़े बड़े बोल बोल के चली गई। ही क्या, ये तेरा घर है, तेरे मुंह में जबान है कि नहीं? वैसे बता रहे माँ, तुम ठीक कह रही हो। आने दो उन दोनों को, ऐसी खरी खोटी सुनाती हूँ जिंदगी भर याद रखेंगे। आने दो। माँ वो आ रही है। वैसे बता रहे हैं। हाँ बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं। बताइए क्या बताएंगे आप? साफ साफ कह देती हूँ, मेरी घर में आके मुझे खरी खोटी सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। आने तो तुम्हारे भैया को, मैं क्या कर लेंगे आप? देखिए भाभी, अगर आप ज्यादा बोली ना तो हम लोग भूल जाएंगे कि आप हमारी भाभी हैं। रहने दे सलोनी। नहीं दीदी, आप हमें रानी भाभी मत समझिएगा कि हम लोग चुपचाप आपकी सारी बातें सुन लेंगे। भाभी आप सब कुछ इतनी जल्दी कैसे भूल गए? जब आप इस घर में बहू बनकर आई थी तो माँ ने कैसे आपको अपनी पलकों पर बैठाया था और रानी भाभी, उन्हें तो आते सिर्फ गुस्सा और नाराजगी मिली, माँ ने तो उन्हें स्वीकार तक भी नहीं किया था, लेकिन उन्होंने अपने प्यार से सबको अपना बना लिया। कल तक उनके पास कुछ भी नहीं था और आज उनके पास सब कुछ है, और आपके पास कल तक सब कुछ था और आज कुछ भी नहीं है। अपने रूखे व्यवहार से आपने हम सबके दिलों में दूरियां पैदा कर दी हैं। आने वाले कल के लिए बीते हुए कल को भुलाए नहीं करते हैं भाभी। वैसे बता रहे हैं, तुम्हारे ही घर में आके तुम्हें ही थप्पड़ मार के चली गई है। वो कैसे? ऐसे बेवकूफ मर लगी, समझती नहीं कुछ। मधु बेटा, ये सब क्या है? माँ, अब आप अपने फेवरेट बेटी और बहू के साथ रहने आ गए हो। पापा देखना आप कितनी जल्दी पहले की तरह दौड़ने लगोगे। ये दोनों आपका इतना ख्याल रखेंगे, है ना माँ? हाँ माँ, देखना आप दोनों यहाँ बहुत खुश रहोगे। बिल्कुल। माँ, मैं आप दोनों के कपड़े अलमारी में रख देती हूँ और बाकी चीजें यहीं पर रहने देती हूँ, है ना? राज की तस्वीर अगर मधु दीदी ने देखी तो?
पास है? बहुत दर्द हो रहा है कमर। अच्छा वैसे खाने के लिए क्या बनाए? मुझे ना हलवा खाने। छोड़ ना बेटी, कब तक बात को दिल से लगाए बैठेगी? मधु और सलोनी बेटियां हैं इस घर की, नंदे है तेरी। बेचारी जरा से कड़वे बोल बोल भी गई तो क्या हुआ? देखता ऐसी हालत में ना अपना खून नहीं खोलाना, बच्चे पे बुरा असर होता है बेटा। आरती क्या हुआ? मम्मी जी बात क्या है? सुनिए बात क्या होगी बेटा? बस वो मधु और सलोनी को प्यार से चाय पे बुला बैठी। अब चाय पे क्या बुला बैठी, आफत ही मोल ले ली इसने। दोनों आई और पता नहीं क्या क्या सुना गई मेरी बच्ची को। वैसे बता रहे हैं दामाद जी, आपने तो समधी जी और समधन जी को घर से जाने के लिए नहीं कहा था ना? नहीं भाई, वो अपनी मर्जी से गए हैं। और क्या हुआ अगर कुछ दिनों के लिए अपने छोटे बेटे राज के यहाँ रहने गए तो? पर नहीं, उन दोनों लड़कियों ने जरा भी लिहाज नहीं रखा। अरे तिल का ताड़ बना गई। मैं अगर कुछ बोलती ना तो अच्छा नहीं लगता। वैसे बता रहे हैं मैं तो ठहरी पराई, लेकिन देख रही हूं जब से मैं इस घर में आई हूं ना दामाद जी, मेरी बेटी के साथ शादी होने के बाद आज तक मैंने आपसे कोई शिकायत की नहीं ना? सबकी सेवा ही की है ना? लेकिन मेरे हिस्से में क्या आया? कड़वी बातें? तारीफ तो इस घर में सिर्फ रानी की होती है। मैं निकालने के लिए आती जो घर में पड़ी है। वैसे बता रहे हैं जब तक दामाद जी दो दो हाथ करके आते हैं, तुम क्या कर रहे? खाना गर्म करना, भूख लगी है मुझे। ऐसे बता रहे हैं लग गई आग। भारती भाभी ने जो कुछ भी आज किया है ना अमित, मधु आरती भाभी का स्वभाव तो तुम जानती हो ना, अब क्या किया जा सकता है? मधु तुमने और सलोनी ने आरती से क्या कहा? बेटा जाओ। कुछ पूछ रहा हूं मैं, तुमने और सलोनी ने आरती से क्या कहा? तो आपको आते ही ब्रेकिंग न्यूज मिल ही गई। वैसे हम दोनों ने जो भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा, कुछ भी गलत नहीं कहा है हमने। और अच्छा हुआ भैया कि आप यहाँ पर आ गए। मैं आपसे भी कहूंगी, आप आरती भाभी और उनकी माँ की बातों में आकर जो भी गलत बातें कर रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है। मधु मैं किसी की बातों में नहीं आया हूँ। क्या तो ये आपके अपने दिल की बात है कि अपने माँ बाप को उनके घर से निकाल दिया, पराए कर दिया उनको? मधु मैंने माँ और पापा को घर से नहीं निकाला है। हाँ ये जरूर कहा था कि थोड़े दिनों के लिए आप राज और रानी के पास रह लीजिए, इसमें बुराई क्या है? हा? अरे माँ पापा थोड़े दिनों के लिए अपने दूसरे बेटे के यहाँ क्या चले गए? मुझ पर तो ऐसी उंगली उठाई जा रही जैसे मैंने दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर दिया हो। देखो मधु, छोटी सी बात को इतना बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अमित समझाओ इसे प्लीज। मनोज भैया, मधु से मम्मी पापा का दुख देखा नहीं गया होगा और दिल की बात जबान पर आ गई होगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ भाई भूल गया था, तुमसे बात करके क्या फायदा है? तुम्हारे माँ बाप कौन से तुम्हारे पास रहते हैं? जाओ बुला लाओ उन्हें, रखो अपने पास, दिन रात उनकी सेवा करो,
अरे अपने आने वाले कल से ज्यादा उनकी खुशियों के बारे में सोचो, अकेले अकेले उनका खर्चा उठाओ, तब समझ में आएगा। जी भैया, जो बेटा अपने माँ बाप के खर्चे का हिसाब किताब रखने लग जाए वो बेटा कम और मुनीम ज्यादा लगता है। हाँ हाँ मधु, मुझे जो जो खिताब देने दे दो, मैं दूसरों की बातों में आ जाता हूँ। कान का कच्चा हूँ, मुनीम हूँ, है ना? भैया बात को इतना बढ़ा क्यों रहे हैं? मधु, बात को मैं नहीं बढ़ा रहा, तुम और सलोनी आरती से बात करने गए थे। और एक बात मैं कह देता हूं, आइंदा अगर किसी ने भी जाकर आरती को उल्टी सीधी बातें सुनाई है ना, तो बात बढ़ेगी भी और बिगड़ेगी। जब भाई अपने बहन के घर में झगड़ा करने आ जाए तो समझो कि बात बिगड़ ही चुकी। एक चम्मच और लीजिए। मुझे अभी भूख नहीं है, बाद में खाऊंगा। अरे आगे बेटा ले, खाना खा। राज ला दे मुझे इधर। चल चल चलो, तुम दोनों खाना खाओ, चलो मैं तेरे पापा को खिला दूंगी। क्या हुआ बेटा? अरे देख क्या रही है मेरी तरफ? मैं खाना खा चुकी हूँ, तेरे पापा सूप पी रहे हैं, ये थाली तुम दोनों के लिए है। आपको पता है जी, ये हमेशा बरसाती में खाना मंगवाया करता था। क्यों? दोनों साथ में खाना चाहते थे। एक ही थाली में। देख रानी बेटा, मैं समझ सकती हूँ, इसे तो कुछ याद नहीं है, लेकिन तुझे तो सब कुछ याद है ना? हो सकता है ऐसी ही छोटी छोटी बातों से इसे कुछ याद आ जाए। बैठ ना बेटा, बैठ आज। माँ मैं दूसरी थाली में खाना खा लेता हूँ। क्यों राज, क्या बात है, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? कहीं तुम दोनों हम लोगों की वजह से? अरे नहीं माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर बैठ ना और एक साथ खाना खाओ, ताकि तुम दोनों को देखकर हम दोनों को भी सुकून मिले। काम खत्म करके जल्दी ले जा, ठीक है? आपको कुछ चाहिए?